नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सतीश स्पीक फॉर सोसाइटी पर बाबा साहब के राइटिंग एंड स्पीचेस का हिंदी अनुवाद वॉल्यूम 38 से इसके पहले भी मानगांव परिषद का जो उनका स्पीच था वो लेकर के आया था। आज हम उसी श्रृंखला का दूसरा वीडियो लेकर के आए हैं। बाबा साहब ने 9 मार्च 1924 में जो अपने सहयोगी के साथ जो मीटिंग की थी उसमें उन्होंने हमें समझाया था कि हमें आपस में संगठित होकर अपने समाज को आगे ले जाना है, आपस में लड़ना नहीं है। और ये वही दिन है जिस दिन पढ़ो, संगठित हो और संघर्ष करो, इस घोषणा वाक्य का जन्म हुआ था। तो आइए देखते हैं कि उस दिन क्या हुआ था। हम बाबा साहब के वाण में उनके स्पीचेस एंड राइटिंग से ये मैं पढ़ता हूँ। दिनांक 9 मार्च 1924 को मुंबई के दामोदर हॉल में शाम के 4 बजे समाज सेवकों की बैठक हुई। डॉक्टर अंबेडकर ने सुझाव दिया कि संस्था को बहिष्कृत हितकारिणी सभा नाम दिया जाए और उसे मंजूर कर लिया गया। उन्होंने तय किया एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज, पढ़ो, संघर्ष करो और संगठित बनो, यानी लोगों को शिक्षित बनाओ, उनमें अपनी दयनीय स्थिति के प्रति आक्रोश पैदा करो और उनका संगठन बनाओ। यह इस सभा का घोषणा वाक्य तय किया गया। जैसे मैंने आपको बताया कि इस घोषणा वाक्य का निर्माण उसी दिन हुआ था, 9 मार्च 1924 को। मैं आगे पढ़ता हूँ। उसके बाद 20 जुलाई 1924 को संस्था की स्थापना की घोषणा की गई। बहिष्कृत हितकारिणी सभा के सदस्य बनने का काम जोरदार ढंग से शुरू हुआ। सदस्यों की संख्या बढ़ने लगी। सभा की सारी जिम्मेदारी शिव तरकर के हाथों में थी। बाबा साहब के समाज सेवकों में एक सेवक शिव तरकर भी थे। ये बाबा साहब ने जो उनके समाज सेवकों के बीच जो शिवतरकर के साथ कुछ वही नोकझोंक ख़त्म करने के लिए ये मीटिंग बुलाई गई थी। मैं आगे पढ़ता हूँ तो आपको सारी चीज़ समझ में आएगी। तो यहाँ पर बताया गया है कि सभा की सारी जिम्मेदारी शिवतरकर के हाथों में थी। वे संस्था का काम काफ़ी अच्छी तरीके से चलाते थे। पहले श्री नारायण राव काजलोरकर, सखाराम बाबू काजलोरकर, बालकृष्ण देवरुखकर, शिरसेकर चंदोरकर वनमाली, बाबू बाबाजी पालवणकर, बोरघरकर आदि सभी चर्मकार समाज के लोग भी बाबा साहब के ऑफिस में आकर बैठते थे। तो यहाँ पर बताया गया है कि बाबा साहब का जो ऑफिस था वहाँ पर चर्मकार समाज के लोग भी आकर के पहले बैठते थे, लेकिन बाबा साहब उनसे मुंबई के अस्पृश्यों के बीच का भेदभाव खत्म करना, लड़कों और लड़कियों के लिए हॉस्टल शुरू करना, शादी ब्याह और अन्य कार्यक्रम के लिए विशाल हॉल का निर्माण करना, प्रेस खरीदकर अखबार शुरू करना आदि कामों की रूपरेखा उनके सामने रखकर उन पर उनसे चर्चा किया करते थे। ये सब बाबा साहब के कट्टर प्रशंसक थे। उनकी नाराज़गी थी शिवतरकर को लेकर और उसकी कई निजी वजह थी। इसके अलावा शिव तरकर दूसरों से रूढ़ बर्ताव करते थे। इसे लेकर महार समाज के लोगों में असंतोष रहता था। इस बारे में एक बार ऑफिस में चर्चा हुई तो बाबा साहब ने शिव तरकर के विरोधियों से कहा कि देखो, अभी यहाँ पर बाबा साहब जो शिव तरकर है उनके बारे में बाकी लोगों से क्या कहते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि शिव तरकर का जो स्वभाव था वो थोड़ा सा रूढ़ था और बाकी चीज़ें भी थी, लेकिन बाबा साहब इस बारे में क्या कहते हैं देखिए। शिवतरकर हमेशा मेरे साथ रहता है और संस्था का हर ज़रूरी काम करता है। आप लोग उनका विरोध क्यों करते हो? मैं हमारे समाज की प्रगति के लिए ईमानदारी और जुटकर काम करने वाला हूँ। उसके लिए मैंने इतनी पढ़ाई की है। मैं अपनी ज्ञान शक्ति का उपयोग केवल अपने परिवार और जाति के लिए करने वाला नहीं हूँ, मैं सारे अस्पृश्य समाज के लिए उनका उपयोग करने वाला हूँ। इसके लिए मैंने कई योजनाएं बनाई है। यदि वह सफल हुई
तो अस्पृश्य और स्पृश्य समाज दोनों का लाभ होगा। देखिए बाबा साहब की दूरदृष्टि, वो साफ कहते हैं कि बाकियों से कहते हैं कि आप शिव तरकर से विरोध क्यों, उनका विरोध क्यों करते हैं, और वो अपने कामों के बारे में बताते हैं कि वो सिर्फ अस्पृश्यों के लिए नहीं तो सारे लोगों के लिए, स्पृश्य और अस्पृश्य सभी के लिए काम करना चाहते हैं और उनके काम से दोनों का भला होगा। आगे वो कहते हैं, अस्पृश्यों की समस्या बहुत विकट है, मैं जानता हूँ कि मैं उनको पूरी तरह हल नहीं कर सकता, लेकिन मुझे विश्वास है कि उन समस्याओं को दुनिया के सामने लाकर उनकी और सारी दुनिया का ध्यान आकर्षित कर सकता हूँ। अस्पृश्यता की समस्या विशाल हिमालय है, इस हिमालय से टकरा कर मैं अपना सिर फोड़ लेने वाला हूँ। बाबा साहब क्या कहते हैं कि जो अस्पृश्यता है ये एक हिमालय के जैसी है, और आगे वो कहते हैं कि मैं इससे अपना सिर टकराऊंगा। वो ये नहीं कहते कि उनके सिर टकराने से ये समस्या हल हो जाएगी, वो आगे इससे भी बड़ी बात कहते हैं, मैं पढ़ता हूँ। इससे हिमालय नहीं ढहा तो भी मेरे रक्त रंजित सिर को देखकर 7 करोड़ अस्पृश्य एक पाँव पर उस हिमालय को ज़मींदोज़ करने को तैयार हो जाएंगे, उनके लिए प्राणों की आहुति देंगे। लेकिन यदि आप लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहे तो मैं ही क्या, भगवान भी इस बारे में कुछ नहीं कर पाएगा। बाबा साहब के भाषण का लोगों पर असर हुआ, वे लोग तब से शिव तरकर से सहयोग करने लगे। देखिए बाबा साहब इस स्पीच में दो चीज़ें बताते हैं, पहली जो उनका घोषणा वाक्य है जो आज हम बोलते हैं, पढ़ो शिक्षित बनो संघर्ष करो और संगठित हो। उस समय घोषणा वाक्य था पढ़ो संघर्ष करो और संगठित बनो। उस समय जो हमारी अवस्था थी, हम बिखरे हुए थे, आज भी हम बिखरे हुए हैं, हमें आज भी संगठित होने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। तो ये वाक्य जैसा बाबा साहब ने बताया, पढ़ो संघर्ष करो और संगठित हो, आज भी वैसा ही लागू होता है, हमें संगठित होना होगा और अपने समाज के लिए कार्य करना होगा। और दूसरी बात बाबा साहब बताते हैं कि हमें आपस में लड़ना नहीं है, हम अक्सर आपस में लड़ते हैं, काम तो एक ही करते हैं लेकिन फिर भी लड़ते हैं। तो जिस तरह बाबा साहब के उस स्पीच के बाद बाकी समाज के लोग शिव तरकर के साथ मिल करके कार्य करने लगे, हमें भी एकजुट होकर आगे कार्य करना है। इतना कहता हूँ और अगले स्पीच को लेकर हम जल्द ही आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।